क्रीमिया ब्रिज पर सबसे पहले पहुंचा था टीवी 9 भारतवर्ष यानी आपका चैनल। जहां हुआ था हमला वहां पहुंचे टीवी 9 के रिपोर्टर। टीवी 9 भारतवर्ष पर क्रीमिया ब्रिज से ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी। अब हम उस ब्रिज पर मौजूद हैं जहां पर कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहां ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, कहां पर हमला हुआ था और किस तरह की रिपेयरिंग हुई थी। और ये देखिए ठीक सामने में जिसके लिए क्रीमिया ब्रिज को लोग पहचानते हैं, जो क्रीमिया ब्रिज की पहचान है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रीमिया ब्रिज को जाना जाता है, हम उस हिस्से से अभी गुजर रहे हैं। और इस हिस्से में देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने ठीक इसी जगह पर समंदर से रिपोर्टिंग की थी, बोट पर चढ़कर रिपोर्टिंग की थी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक ब्रिज जहाँ से हम गुजर रहे हैं कार के जरिए, वहीं दूसरा जो हिस्सा है दूसरा ब्रिज जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो एक ट्रेन से के गुजरने का ब्रिज और एक ब्रिज है जिससे हम कार के जरिए यहाँ पर गुजर रहे हैं और नीचे है ब्लैक सी। और इस दरमियान आप देखेंगे, और ये देखिए जो बात कही जा रही थी कि पहले ये वन वे था, वन वे की जगह पे अब ये टू वे हो गया, यानी कि एक तरफ से हम लोग आप जा भी रहे हैं वहीं दूसरी तरफ से ट्रैफिक भी आ रही है। तो इसी ब्रिज के एक हिस्से से ट्रैफिक की और ये देखिए यही वो हिस्सा है जहां पर कि हमला हुआ था। ये देखिए ये टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं यही वो हिस्सा है और इसी हिस्से में हमला हुआ था और इसी हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरे पर आप लगातार देख रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए क्रेन लगे हुए हैं और देखिए कंस्ट्रक्शन के और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि धमाका हुआ था, जहां हमला हुआ था, आतंकी हमला। और उस इस समय भी हम देख सकते हैं कि उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है और हम गाड़ी से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ, और संजीत जरा पीछे लेफ्ट साइड में भी दिखाइए, ढेर सारे क्रेन लगे हुए हैं। इधर अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए यहाँ पर ढेर सारे क्रेन लगे हुए हैं। तो ये सब क्रेन हैं ताकि इसके जरिए वो रिपेयरिंग का काम कर सके। तो लगातार टीवी 9 इस समय दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो क्रीमिया ब्रिज पर मौजूद है। तो देखा आपने हमारे सहयोगी मनीष झा ने क्रीमिया से जो रिपोर्ट फाइल की थी, ठीक उसी पुल से जो इस वक्त यूक्रेन के निशाने पर आ चुका है और जिसे ध्वस्त करने की प्लानिंग बड़े पैमाने पर चल रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। SVP सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं प्लान क्रीमिया को? इससे पहले भी यूक्रेन इसी कर्च ब्रिज को निशाना बना चुका है, यानी पुतिन को बता चुका है कि वो क्या कर सकता है। अब बड़े पैमाने पर इस ब्रिज को फिर से उड़ाने की प्लानिंग चल रही है, इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखें, ज़ेलेंस्की ऑन रिकॉर्ड है कि क्रीमिया को हम दोबारा हासिल करेंगे किसी हद तक। दूसरा, रूस के लिए क्रीमिया एक बहुत हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बेशक दोनों देश इसके ऊपर आखिरी दौर लगाएंगे। अभी पॉइंट ये है कि कर्च ब्रिज के ऊपर दोबारा हमला ऐसे हो सकता है। रूस ने उसके बाद अपनी सिक्योरिटी और हवाई में, सी में और सैटेलाइट सिस्टम और ग्राउंड फोर्सेस के साथ उसकी जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, काफ़ी तादाद में है। और इस हालात में अगर फिर भी यूक्रेन उसके ऊपर कुछ हमला कर सके और डिस्ट्रक्शन कर सके तो काफी मुश्किल है और बहुत हिम्मत का भी काम होगा, क्योंकि पहले भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई थी जब क्रीमिया पुल पर अटैक किया था। और इसी के साथ मैं कमेंट करना चाहता हूं कि अगर क्रीमिया में पहुंचना चाहते हैं तो इस समय अगला ये महीने में नामुमकिन है थ्रू ग्राउंड फोर्सेज, बिकॉज उसको खेरसोन और ये ज़ापोरोजिया के साउथ में उधर से अपनी फोर्सेज लगानी पड़ेगी और उसके 75,000 से लाख ट्रुप डिप्लॉयमेंट है। सिंह सर, अपने इलाके तो बचा नहीं पा रहा, क्रीमिया तो बहुत दूर है, अपने इलाके बचा नहीं पा रहा, क्रीमिया बहुत दूर है। मैं बोल रहा हूँ क्रीमिया में अगर जाना है तो उस समय उसको ये तादाद हलानी पड़ेगी। राइट, यूक्रेन को अपनी फौज में मैन पावर में शॉर्टेज है इस समय।